वो फॉरेस्ट वाले हैं। अरे एक लड़की को मार दिया ना तेंदुए ने। तेंदुए ने? हाँ तो वो कह रहे हैं कि जल्दी जाओ आप, यहाँ तेंदुआ आने का टाइम हो रहा है। खुशबू कैमरे तक आ रही होगी। रेनू ऊपर बुला रही है, मैं नीलझंडा नहीं जा रही क्योंकि कल जाना है नीलकंठ, और अगर आज नीलकंठ पे नील झंडे पे चढ़ाई कर ली तो फिर कल नीर झरना नहीं जाया जाएगा, क्योंकि नीर झरना भी ना बहुत ऊपर है और उबड़ खाबड़ है, तो अभी टांगों में दर्द हो जाएगा। मतलब वो तो इसीलिए मैंने आज नहीं जाने का फैसला किया है। और रेनू बना रही है बच्चों के लिए छोले भटूरे, तो वो मुझे बुला रही है, तो देख के आती हूँ एक बार क्या कर रही है और आपको भी दिखा देती हूँ। शायद बना रही है वो छोले भटूरे। और ये 2021 का सूट मैं पहना था, मैंने कुर्ता आज आ गया मुझे, कितनी खुशी होती है ना। आंटी का वेलकम करने के लिए खड़ा है। आंटी जी आओ, मैं तो बाल कटाने जा रहा था। क्या देखने के लिए बुलाया था? नहीं बताया। किसके साथ हुआ? इसके साथ। अच्छा, मैंने सोचा बना रही है तो मैं बना के दिखाऊं। क्या हुआ चल बता। रेनू एक दुर्घटना मैंने भी कर दी। क्या? कल परसों ना तेरी चैनल पे उम्र बता दी। अपनी तो बताई बताई, तेरी बता दे कितनी है। वेरी बैड ऑफ यू। मैंने सारे किया वो 16 एंड फ्यू मंथ्स बताया था। उतनी बता जितनी हजम हो जाए, समझ गई ना? 16 एंड फ्यू मंथ्स। देख है ना रिंकू, रिंकू देख। आई एम नॉट लाइंग। 16 साल और कुछ महीने। देख रिंकू का मुंह देख। कुछ महीने में, कुछ महीने, कुछ महीने। देख रिंकू देख कैसे हंस रही है, पता चल रहा है। आंटी भी हंस रही है। 16 साल और कुछ महीने। हम सभी 16 साल और कुछ महीनों के। हां कुछ महीनों के हैं। हां कुछ महीने में 50 60 100 150 200 महीने भी हो सकते हैं। वो मैंने बता दिया, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं बाप। मैंने बोला अरे मैं तो अपनी करती रहती हूँ सोनिया के सामने, मैंने कहा मैंने रेनू की भी कर दी वायरल। मैंने ना कुर्ता बदल लिया क्योंकि वो मैंने दिया को दे दिया था, अगर मैं पहनने लग जाऊँगी तो फिर वो चिड़चिड़ करेगी, ठीक है। और ये मेरी आज का ब्रेकफास्ट है, ड्राई फ्रूट मैंने बिना उसके खा लिए पहले। तो राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे साथ बढ़िया बढ़िया एक भैया, एक राजन जी हैं, वो कह रही थी मिसेस राजन के खा लिया करो मोमोज वगैरह ना। मैंने कहा मुश्किल से तो छोड़ने का टाइम आया है, मन भी नहीं कर रहा मेरा। उनको देख के ना अजीब अजीब सा हो रहा है। वैसे डॉक्टर साहब ने तो दिया के लिए मना कर दिया, कल गए थे ऐसे हंस के कहते, कह रहे जो मोमोज में जो ये होती है ना पत्ता गोभी, इनको धोते नहीं, और वो जो जर्म होता है कीड़ा कितना नुकसान देता है, तो कह रहे दिया को कह रहे वो मत खाना। मैंने कहा मैं खाती नहीं हूँ, मैं पत्ता गोभी की सब्जी पहले बहुत पहले बनाती थी, लेकिन अब जब से वो कीड़े का भी पता चला मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोस में ना हमारी चाची हैं, उनको वो कीड़ा जो था बना जैसे पकने के बाद भी वो ब्रेन में मतलब चला गया उनके, पकने के बाद भी देखिए, तो मैं फिर बनाना ही छोड़ दिया था हमने घर पर। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, और उन्होंने दिया के लिए मना कर दिया कि मोमोज उसको बना करो, एक तो पत्ता वो भी फिर मैदा, और वो भी पता नहीं कब के बने रखे रहते हैं उनके ना, फ्रेश तो होते नहीं है और पता नहीं कब कब के रखे रहते हैं, तो इसलिए अच्छी अच्छी डाइट खाओ। रेनू छोले भटूरे बना रही है आज, वो दिखाती हूँ। फिर मैंने बनाई है अपने लिए लाल मसूर की दाल, मूँग की नहीं, और घिया वाली दाल। अब ये खाएंगे ऊपर भटूरे। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसने मेरे सुबह से खून पी लिए हैं। जल्दी चलो जल्दी चलो, भटूरे बन गए ऊपर, और बच्चे कह रहे हैं आज हम गार्डन में जाके पढ़ेंगे। जैसा पढ़ते हैं वैसे तो आप जानते हैं। तू तो पहली डकार ले रही है, मतलब बुला के दरवाजा बंद किया हुआ है, कुंडी लगाई हुई है। ये कितनी नालायक है, ये देखो, इसने इसको पता है कि इसकी सहेली नहीं खा सकती है छोले, इसलिए मैंने सहेली जो है ना गाजर का हलवा बनाया है। इतना मिर्च से सहेली पाके तू कृतार्थ हो गई। इसको पता है मैं गाजर का हलवा भी नहीं खाऊंगी। तू खाएगी? मोटी तू चुपके से खा लेगी, मुझे पूरा यकीन है। नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ। एक छोला ऐसे एक भटूरे खा लेना। नहीं पागल है तू ना, तेरे चक्कर में मैंने इसमें आटा भी डाल दिया। नहीं मैं खा चुकी हूँ, मैं रोटी खा चुकी, तेरे चक्कर में आटा मैं रोटी खा चुकी हूँ। चल कर ड्रामेबाज, आटा तू हमेशा से ही डालती है। गाजर का हलवा पता है इसमें मैंने पाम जैगरी डाला है, एकदम टेस्टी वाला। यानी कि जैगरी मतलब गुड़, गुड़ पता है। हाँ। हाँ। लेकिन पाम वाला जैगरी। हाँ ये खाएगी तब बताएगी।
हाँ, मेरी बेटी तो गंदी चीज खाने में फेमस है, चीनी की अच्छी लगती है इसको। नहीं तुम देखना इसको कितना पसंद आएगा है? बनाने के लिए तुमको तमीज नहीं है ना, नालायक। चलो बना बना रही हूँ, रुक जा। इनकी नजर मेरे कपड़ों पे रहती है, देखो ना, खुद के लिए खरीद लेती है, हमारे लिए नहीं खरीदती है, बदतमीज कहीं की। और तो इतना इतना सामान खरीद के लाती है, ऑनलाइन चुपचाप ऑर्डर कर देती है। छोटी बहन हूँ ना, कितना मजा आया। कोई बात नहीं, छोटी तो है, तो फिर अब से तू खरीदे, ठीक है? चल, छोटी बहन भी देती है। तो मैंने दिया था ना एक बार, काफी पहले हो गया। मैंने अभी दिया था पूरा, अब मैंने अभी दिया था, वो तो बर्थडे का था, वो तो देना ही था। जो मेरा बर्थडे आ रहा है, अचानक से गिफ्ट देके मुझे कितनी खुशी होगी। मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा खुश नहीं करना चाहता ना। चल ए बदतमीज, चल जल्दी कर, बेकार की बातें नहीं करते, बेकार की इधर उधर की बातें, काम कर अपना। तो मतलब तू खाएगी इसलिए तूने आटा मिला लिया है? दिया के सामने नहीं बोलना है ना, पागल हो क्या? तूने आटा तो मिलाती है, तू मुझे पता है। मैंने मिलाया, बाद में चैनल में देखेगी तो भले गाली देगी, कोई बात नहीं। नहीं उसको पता है तू मिलाती है, मैं भी मिलाती हूँ। ओम, क्या हुआ था सुबह तेरे साथ? बहुत गलत। क्या? बहुत गलत। ये अपने तरीके से बताएगा, दिया बताएगी। क्या चल गया? नहीं कुछ और बोली है वो, पिछवाड़ा जल गया। कैसे चला ये तो बता दे। पहले कम चला था, जोर जल गया। बता, और फिर दोबारा चला गया है? बताना कैसे चला था। आंटी वो ना हुआ क्या था, मैं पीसफुली आराम से बैठा था, हगने आराम से बैठा हुआ था मैं, फ्रेश होने जिंदगी की मजे ले रहा था फोन के साथ है। फिर ऐसा फिर पेट खाली हुआ मेरा, फिर मैंने अपनी शुद्धि क्रिया शुरू करी। शुद्धि क्रिया जैसे ही मैंने वो पानी का फवारा चालू किया, इसकी जल गई। वो इतना गरम था, जल गई। तो गरम पानी का तेरी मम्मी ने कल कनेक्शन करवा दिया होगा गीजर वाले से, जानबूझ के कराया मम्मी ने, है ना? कैसे कनेक्शन हो गया मुझे? और चल के कैसे आया था तू? चल चल के स्टाइल बता कैसे बता। नहीं नहीं कुछ और, तेरी मम्मी दूसरा स्टाइल बताएगी, दिया बताएगी। देख दिया, दिया बताएगी क्या दिया कैसे जला। खुशबू कैमरे तक आ रही होगी। ये मेरा बेटा है, he always proves कि मेरा बेटा है, हंगामे करता है, मस्ती। ए चल निकल, पूछ पूछ करने लग गया। भैया तू भी सीख ले बेटा, पतंजलि पतंजलि जाएगी ना, मेरे को भी बना के खिलाइयो। ये पड़ेगा, ठीक है? ये लो भी। अच्छे से वेटर सजा के लगाओ, रखो थप्पड़ लग जाएगा खींच के। जीमी और बताइए, लो खा लो। नहीं अरे अच्छा, इधर खिलाई की बटन नहीं जा पाया कोई भी। वो नहीं जा पाया कोई भी। ये हलवा गया, ये हलवा सबके मुंह में गया, ये गया, छोले गए। हां कैसे बने हैं? जैसे पहली बार मिले हो ना, आत्मा तृप्त हो गई पापा जी वाले स्टाइल में, स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इनको तो हमेशा रोज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है तुमको, है ना? खा खा के मोमोज हम सिद्ध हो चुके हैं। एक दिन में पूरा सुबह से लेके शाम तक एक बार में, एक बार दबा के खाएगी। कौन मम्मी? हाँ उसमें पांच छह भी हो सकते हैं भटूरे। चार तक मैं सोच रही हूँ कि दबा दबा के ठूस लो। चार तक दबा दबा के ठूस लो, ठूसने का सोच रही हूँ। देखो क्या होता है, अगर पांच होगा तो फिर बताऊंगी चैनल पे। और फिर हलवा भी होगा। हलवा? अरे यार नहीं, तब तो चार काफी है। तब चार काफी। आनंद आ गया है दिया, क्या तुझे सॉफ्ट पसंद है? आंटी रोज आया करो आप, रोज आया करो, मतलब यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। छोले भटूरे भी नहीं खाए हमने, और प्रीति भी वॉक करने आ गई। अब मैं ना, हमें पता नहीं, रेनू ने मुझे नहीं खिलाए। और ना हम वॉक, मतलब क्या कहते हैं, मैं बिना कैमरे के आई थी, तो मैंने कहा जब इतनी दूर वॉक करने आ रहे हैं तो वीडियो बना ले।
तो इधर वीडियो बनाने आ गई। इतना प्यारा इतना बड़ा मोर था, अंदर चला गया। चला गया, अब रोड पे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। वो भैया कह रहे हैं हाथी खड़ा है। हेलो, हम आए थे ना, निकल गया। फिर मैं फोन से रिकॉर्ड करती जब तक मेरे हाथ में कैमरा होगा तब तक नहीं होगा। हाँ यही है, देखो। अब वो कह रहे थोड़ी आराम से जाना, मुझे पता है ये टाइम हाथी का है। और वो त्रिवेणी घाट की साइड नीचे उतरता है, वहाँ पानी पीता है वो। अब हम आज चूक गए इस टाइम तो हमें बेवकूफ़ी नहीं करते। तो आज ही लोग आ रहे थे तो हमने थोड़ा सा देख लिया। अब इनसे पूछते हैं कि हाथी खड़ा है, चला गया। छोले भटूरे खाए किसी और ने, हैं हवन हवन करने कह रही हूँ, हजम करने हमारे हैं। बेटा हाथी खड़ा है, चला गया, चला गया। कहाँ था वो? पता है मुझे, खतरनाक है, मैं पागल कोई हूँ? जब तक दिख रहा है यहाँ तक, यहीं से दिखता तो दौड़ने लगता है ना वो, हाँ दौड़ने लगता है। तो खैर पता है, एक लड़की को दो तीन पहले मर्डर कर दिया उसने। हाँ, ये मोर, इस टाइम लेपर्ड भी आ जाते हैं, तो मोर ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। हाँ ब्लॉगर, ब्लॉगर तेरे को किसने बताया कि कल किसको पटक पटक के मारा? अब मैंने तो क्यों, क्यों वहाँ पे जो आदमी थे ना वो मुझे बोला कि लड़की को मार दिया वहाँ अंकल ने। हाँ वहाँ पे थे आदमी, तो ऊपर जल्दी भागो जल्दी भागो, मैं उसका वीडियो बना रहा था। वो फॉरेस्ट वाले हैं। अरे एक लड़की को मार दिया ना तेंदुए ने। तेंदुए ने, हाँ तो वो कह रहे हैं कि जल्दी जाओ आप, यहाँ तेंदुआ आने का टाइम हो रहा है। अरे निकल ले जल्दी से, चल प्लीज निकल, तो टाइम पे आ गए हम। नहीं मैं कह रही हूँ 6:15 तभी देख मोरों की आवाज आ गई ना एकदम से। बता रहे अभी लेपर्ड मिला कहाँ पे? हाथी तो पता है, लेपर्ड भी बोल रहे। अभी एक भैया हमें डरा के गया कि लेपर्ड है, भाग जाओ। ये ना इतनी ढलान है, ठीक है, प्रीति ने क्या करवाया मुझे, देखो कैसी ढलान है नीचे तक। कह रही अब चढ़ भी इस पे से ऊपर चढ़वाया है, हैं कि ढलान में जाने का क्या फ़ायदा है, और फिर हम नीचे जा रहे हैं। तो पहले नीचे जाके कि नीचे जा फिर ऊपर आ तब जाके अच्छी वॉक होगी। कितने हजार स्टेप हो गए? 6,000। आज प्रीति के साथ लंबी वॉक हो जाएगी। ये देखो ये और ऊपर तक है ये पूरी ऐसे। ये हाथी के लिए डराया गया था, लेपर्ड ने वहाँ नहीं मारा किसी को, वो लेपर्ड के लिए डरा के जाते हैं ताकि लोग उस टाइम वहाँ पे जाए ना, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड ने अटैक नहीं किया, वो देहरादून उधर थानो रोड पे वहाँ हुआ है अटैक, यहाँ पे आज तक लेपर्ड ने नहीं मारा। हाँ हाथी के अटैक बहुत हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं प्रीति के साथ वॉक कर रही थी तो मुझे पूरा परिवार, अपना फैमिली, और देखिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, ऐसे ही मिल जाते हैं ना सब, साउथ अफ्रीका से आए हैं। 15 दिन अभी शिवानंद आश्रम में रुकेंगे, 15 डेज, और एक एक चीज देखते हैं चैनल में। दिया क्या खाती? everything, the weather, the food, everything. बहुत अच्छा लगता है कि आप, मतलब मैं तो हिंदी बोलती हूँ फिर भी आप समझ लेते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। प्रीति चली गई है और मैं गंगा जी पे ही रुक गई, बच्चे यहीं पे ही हैं। कल हमारे बच्चे डाइट फूड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? भेलपूरी खा रहे हैं, ये देखिए। और ये तो दो बच्चे हैं, ये खा चुके हैं। एक आंटी मेरे को मजबूर, तू नहीं खा रहा? तो नहीं खा सकता तू, बुढ़ा हो रहा है। पता आज हमको हाथी, हाथी और एक आदमी चिल्ला के भी गया लेपड़ है हम डर के मारे भाग गए। बताना चाहिए था। हाँ क्या करता? आ जाता कैमरा लेके। ये यहाँ ना मेरा भारी पड़ गया है ना, ये पूरी है 20 वाली है, दे दे 6 आइसक्रीम दे दे। कौन कौन सी लेनी है ले लो, 20 वाली कौन सी, कोई सी भी। ये ना बेल वो खा रहे हैं, ये इसको मिर्च लग गई है। मेरे में टाइम कुछ क्यों सबसे ज्यादा मिर्च तीखी वाले दे दिया। कौन सा फ्लेवर देना है? तीनों। हाँ थैंक यू आंटी, मिर्च लगी है, ऐसी चीज आगे से नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। आप हमें रोज मिला करिए। मैं ना गोप्रो नहीं लेके गई थी, ले जाती तो ठीक रहता। ले जाती क्या, हमारे पास फोन भी है, कभी कभी फोन से भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर वो की उतनी कम्फर्टेबल नहीं रहता है। 10,000 स्टेप हो चुके हैं। हमारे ऐसे ऐसे फ्रेंड है, अभी पता नहीं आएगी, थोड़ी देर में आ रही है, कि जब पता है कि डाइट पूरी फॉलो कर रही हूँ
है, फिर भी छोले भटूरे बनाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने नहीं खाए। और ये नालायक बच्चे ये कह रहे हैं कि रोज आया करो, ये देखो ये पूरे इंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं। लेने दो, ऐसी ऐसी सेफ जगह ना मिलेगी नहीं कहीं इनको, ठीक है। और माता पिता, और आज हाथी से सामना होता होता बच्चा, थोड़ी सी दूर और चले जाते, पहले आ जाते तो हो ही जाता आमना सामना। कोई बात नहीं, फिर कभी हो जाएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। आज हम थोड़ा सा चले गए और मैं कहती कहती जा ही रही थी, मैंने कहा इस टाइम हाथी का खतरा है क्योंकि 6:15 बज गए थे, लेकिन उधर से लोग आते दिख रहे थे तो मैंने कहा उतना तो ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाते, हम थोड़ा सा आगे जाके वापस आते, पता चला कि वहीं खड़ा हुआ था। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और खुद का भी ध्यान रखें।